आपने सोलर पैनल्स को तो देखा ही होगा बट क्या आप जानते हैं कि ये जो सोलर पैनल्स हैं ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं तो ये काम करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डेफिनेशन है वो है कि द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ फेनोमिना इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ मेटल वेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट एंड दीज इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम एक मेटल के अंदर से उनके इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराते हैं या फिर बाहर निकालते हैं और ये इजेक्शन तभी होता है जब हम उस मेटल सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट कराएं। और इन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो अब ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है ये परफॉर्म किया गया था हेनरिक हर्ट्स के द्वारा इन ईयर एटीन एटी सेवन तो चलिए अब इस एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि सबसे पहले यहां पर एक वैक्यूम चैम्बर है जिसके अंदर एक साइड पे एक मेटल का पीस रखा हुआ है जिसे हम बोलेंगे मेटल सर्फेस जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है और वहीं चैम्बर के दूसरे तरफ रखा है एक डिटेक्टर जो कि इस मेटल सरफेस में से कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं ये डिटेक्ट करेगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक एम मीटर भी कनेक्टेड है और ये डिटेक्टर और मेटल सरफेस दोनों यहां पर एक बैटरी से भी कनेक्टेड है तो देखो यहाँ पे बेसिकली यही होता है कि जब एक लाइट की बीम इंसिडेंट होती है इस मेटल सरफेस के ऊपर तो क्या होता है कि इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया जाता है इस डिटेक्टर के थ्रू राइट सिंपल है बिल्कुल तो चलो अब ये देख लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद इसके क्या क्या रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए गए तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था जो कि ऑब्जर्व किया गया था इस एक्सपेरिमेंट से वो था कि देयर इज नो टाइम लैग और गैप बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सर्फेस यानी कि जो वो लाइट बीम इंसिडेंट होगी इस मेटल सरफेस पे तो उस पर जैसे ही लाइट बीम स्ट्राइक करेगी वैसे ही बिल्कुल तुरंत ही उस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे इट मीन्स उस लाइट के इस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करने और इन मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स के बाहर आने के बीच में जरा भी टाइम लैग या फिर गैप नहीं होगा समझे बात को चलो तो अब इसके बाद जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन था वो था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ दैट लाइट यानी कि जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस में से बाहर आ रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उस लाइट बीम के इंटेंसिटी से अब इंटेंसिटी थोड़ा मुश्किल वर्ड है तो इसे थोड़ा और आसान भाषा में बोलें तो इसे हम बोल सकते हैं ब्राइटनेस तो सिंपल सी चीज़ है कि जितनी ज्यादा ब्राइट लाइट इस मेटल सर्फेस पे स्ट्राइक होगी उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ध्यान देना उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस में से बाहर आएंगे समझ में आई बात तो अब इसके बाद जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था वो था कि फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रैश होल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड यानी कि सारे डिफरेंट टाइप के मेटल्स के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को होने के लिए एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी की लाइट बीम की ज़रूरत होती है यानी कि उस मिनिमम फ्रिक्वेंसी की लाइट के बिना उस मेटल में से किसी भी वे में इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ सकते हैं और किसी भी मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लाने के लिए जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी की लाइट यूज़ होती है उसी को हम उस मेटल की थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं यानी कि सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर किसी भी मेटल के अंदर से हमें इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराना है तो उस पर हम सिंपली एक लाइट बीम स्ट्राइक कराएंगे तो जो लाइट बीम हम उस पर स्ट्राइक कराएंगे उसकी फ्रिक्वेंसी उस मेटल के थ्रैश होल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए तभी उस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे वरना नहीं आएंगे एज सिंपल इज डेट तो चलो अब इसके बाद जो फोर्थ एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन था वो था कि एट अ फ्रीक्वेंसी न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू नॉट द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विथ अ सर्टन काइनेटिक एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विथ द इंक्रीज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज यानी कि अभी जैसा हमने पिछले ऑब्जर्वेशन में पढ़ा कि जो उस मेटल सरफेस पे लाइट बीम इंसिडेंट हो रही थी उस लाइट बीम की फ्रीक्वेंसी उस मेटल की थ्रेश होल्ड से ज्यादा होनी चाहिए तभी उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे राइट तो अब इस फोर्थ ऑब्जर्वेशन में यह बताया गया है कि जो लाइट बीम उस मेटल सर्फेस पर स्ट्राइक होगी वो उस मेटल सर्फेस के थ्रेश फ्रीक्वेंसी से जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस में से बाहर आएंगे यानी कि सिंपली हम बोल सकते हैं कि उस मेटल की थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी के बाद जो एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी बची होगी उस लाइट बीम की वो एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी या फिर एक्स्ट्रा एनर्जी चेंज हो जाएगी उन इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी में तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना कि जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उस लाइट बीम की उतनी ही ज्यादा तेजी के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस में से बाहर आने के बाद मूव करेंगे राइट तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्राइकिंग लाइट बीम मीन्स सिंपली द काइनेटिक एनर्जी मीन्स के ई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी मीन्स न्यू समझ में आई बात तो चलो अब एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसमें काफी सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है जो कि है द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट तो देखो जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी लाइट की वो रिलेटेड होती है उस लाइट के कलर से रिपीट कर रहा हूँ जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी लाइट की वो किससे रिलेटेड होती है वो रिलेटेड होती है उस लाइट के कलर से यानी कि कौन सी कलर की लाइट इंसिडेंट हो रही है उस मेटल सरफेस पे बट जो इंटेंसिटी होती है वो रिलेटेड होती है उस लाइट बीम के ब्राइटनेस से यानी कि वो जिस भी कलर की लाइट इंसिडेंट हो रही है वो कितनी ज़्यादा ब्राइट है वो जितनी ज्यादा ब्राइट होगी हम बोल सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा है समझे या नहीं समझे चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक पोटेशियम मेटल लें जिसकी है टू द पावर पोटेशम मेटल्डी और इस पे अगर हम एक रेड कलर की लाइट इंसिडेंट कराएं जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज ऑलमोस्ट होती है फोर पॉइंट थ्री टू फोर पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर फोर्टीन हर्ट के आसपास तो क्या उस पोटेशियम मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे नहीं <laughs> तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में नो no मैटर कि उस रेड लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी हो भले ही वो रेड लाइट अपने मैक्सिमम इंटेंसिटी पे चला जाए बट उस पोटेशियम मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे क्योंकि इसका सिंपल सा यही रीजन है कि इस रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी इस पोटेशियम मेटल के थ्रेस होल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है समझे बात को बट वहीं पे अगर हम एक येलो कलर की लाइट बीम को इंसिडेंट कराएं उस पोटेशियम मेटल पे जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ऑलमोस्ट 5.1 पॉइंट वन टू फाइव पॉइंट टू इंटू टेन टू द पावर फोर्टीन हर्ट्स के आसपास तो यस yes, ऑब्वियसली उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे नो no मैटर कि उस येल्लो लाइट की इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस कितनी भी हो चाहे जितनी ही इसकी इंटेंसिटी लो भी हो फिर भी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे क्यों क्योंकि इस कलर की लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस पोटेशियम मेटल की थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है समझ में आई बात तो अब यहां तक ये चीज तो क्लियर हो गई है कि किसी भी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे या नहीं ये उस लाइट बीम पे पड़ने वाली फ्रिक्वेंसी डिसाइड करती है राइट right? बट उस मेटल सरफेस में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे ये उस लाइट बीम की इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस डिसाइड करती है और फिर इजेक्ट होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स किस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे ये उस लाइट बीम की फ्रीक्वेंसी में से मेटल सरफेस की थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी को माइनस करके हम पता लगा सकते हैं इजिली गॉट इट